थोड़ी सी हल्की फुल्की बातें करना चाह रहा हूं। जो करता है वो अल्लाह करता है, कि ये जो फलसफा आया ना कि जो करवाता है अल्लाह करवाता है। अच्छा भाई, कज़ा इलाही थी भाई, अल्लाह ने करवा दिया। भाई अल्लाह ने कहां से करवा दिया? ये जो हाथ में शराब के जाम थम रहे हैं तो क्या अल्लाह करवा रहा है? ये डाके क्या अल्लाह करवा रहा है? ये चोरियां क्या अल्लाह करवा रहा है? ये कत्लो गारत क्या अल्लाह करवा रहा है? तो ये थ्योरी आई है कि जो करवाता है अल्लाह करवाता है, यानी काम खुद करो, मनसूब करो अल्लाह की तरफ। तो जानते हो कल मैं क्या कह रहा था? ये जुमला सुन लो तो फिर मैं आगे जाऊंगा। मैंने जुमला ये कहा कि दो हैं, एक इबलीस और एक आदम, और दोनों के जुमले कुरान में मौजूद हैं। इबलीस ने कहा फबेमा अगवैतनी, मालिक तूने मुझे गुमराह कर दिया, और आदम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, मालिक मुझसे खता हो गई। तो जब अपने अमल को अपना समझे आदम का पैरव है, और जब अपने अमल की निस्बत अल्लाह की तरफ दे इबलीस का पैरव है। जब जो जुमला मैंने कहा था, मैं उससे तुम्हें महरूम क्यों रखूं? जानते हो मैंने कल क्या कहा? मैंने ये कहा भाई सुनना, कि ये कि जो करवाता है अल्लाह करवाता है, ये जो थ्योरी आई है ना, तो ये मुल्लाओं ने अपने बादशाहों को बचाने के लिए ये थ्योरी याद की। बादशाह ने नाराज होकर किसी को मुल्क से निकलवा दिया। कहा भाई क्या करे बादशाह, जो करवाता है अल्लाह करवाता है, उसकी तफसील ही नहीं। अच्छा बादशाह ने किसी का माल छीनवा लिया, बादशाह तो बादशाह है, उनका भी देखो भाई क्या जालिम बादशाह है, उसका माल छीन लिया। कहा कि नहीं, जो करवाता है अल्लाह करवाता है, समझ रहे। अच्छा बादशाह ने किसी को हुक्म दे दिया कत्ल कर दो, बादशाह से मुराद खलीफतुल मुस्लिमीन। भाई बादशाह को बचाने में तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, खलीफा को बचाने में तो सब इंटरेस्टेड है ना, सब ख्वाहिशमंद है। अच्छा भाई उसने कत्ल करवा दिया बादशाह ने, खलीफा ने। कहा उसकी तफसीर क्या है? जो करवाता है अल्लाह करवाता है। तो अब हम भी तुम्हारे साथ हो जाएंगे, अगर तुम हमारा साथ दे दो, मान लिया कि जो करवाता है अल्लाह करवाता है। अब अगर हम यजीद पर लानत भेजें